वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बीसप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराज। टुडे आई विल बी डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स सम अदर न्यूमेरिकल्स ऑन द बेस्ड ऑफ कनेक्टिंग मोशन। तो अब इसमें दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है द मासेज M1, M2 एंड M3 ऑफ द थ्री बॉडी शो इन फिगर 3.A 19 आर 5, 2 एंड 3 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ टेंशन T1, T2 एंड T3 व्हेन द होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 m/s² और सेकेंड इसमें निकालना कि द होल सिस्टम इज द स्टेशनरी। इसमें G की वैल्यू हमको कितना लेना है, 9.8 m/s लिखना है। तो पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं। तो मान लो M1, M2 एंड M3 देयर मास आर द रिस्पेक्टिवली आर गिवेन, कितना है 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। तो कह रहे हैं कि मान लो कि ऐसे कोई वर्टिकल फेज में अगर 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग हैंग किए गए हैं, तो मान लो कि फर्स्ट बॉडी से अटैचमेंट टेंशन क्या है T1 है, सेकेंड बॉडी से अटैचमेंट टेंशन क्या है T2 है और यहाँ पे T3 है। तो पहला कंडीशन दिया कि जब पार्टिकल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो पहले वाले में लिखते हैं व्हेन सिस्टम मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जब अपवर्ड में जाएंगे तो नेट फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा T-mg, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए इसका मतलब टेंशन जो है वेट से क्या है हेवियर है, तो इसलिए हम नेट फोर्स F इक्वल टू T-mg निकालेंगे, या इसको ऐसे भी सकते हैं T इक्वल टू F+mg या T इक्वल हो जाएगा mg+ma। अब यहाँ से कंडीशन क्रिएट होता है कि व्हाट बी टेंशन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना, अब इस रूप से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों मास क्या है कनेक्टेड है। तो अब हो जाएगा T1 इक्वल टू M1+M2+M3 इन ब्रैकेट G+A, क्योंकि M के जगह पर M1+M2+M3 लाएंगे और यहाँ पर भी लाएंगे, तो चूंकि ये दोनों में कॉमन है तो अब M कॉमन ले लेंगे, तो टोटल मास तो M1+M2+M3 हो गया, तो हो गया 5+2+3 इन ब्रैकेट 9.8 प्लस एक्सेलरेशन आर द गिवेन इन क्वेश्चन, किस रेट से ऊपर जा रहा है, तो दे आर द गिवेन 2 m/s² तो हो जाएगा 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 10 × 11.8 इक्वल टू हो जाएगा 180 N। तो पहला ब्लॉक जिस रूप से अटैच है यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा 118 N। अब हम जब दूसरे केज पर आएंगे, तो चूँकि अब दूसरा केज हमारा और ईजी हो गया, तो दूसरे केज में आएंगे तो सिर्फ हम इतना ही मिटा रहे हैं। तो जब दूसरे केज में आएंगे तो दूसरे केज में अब हो जाएगा T2 इक्वल टू, जब यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पे क्या टेंशन होगा, तो इस टेंशन के लिए सिर्फ दो ही मास रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इस कनेक्टिंग से इस धागे से जो कनेक्टिंग है वह M1 का नहीं है, क्योंकि M1 तो कनेक्ट है लेकिन M1 का टेंशन इस पर वर्क नहीं करेगा। तो टेंशन भी डिफाइंड बाय द मास सेकेंड एंड मास थर्ड। तो ऐसे केज में T2 इक्वल टू हो जाएगा M1+M2 और ये हो जाएगा G+A, समझाया ना, क्योंकि T2 के लिए दो ही मास रिस्पॉन्सिबल हैं M2 एंड M3, तो M2+M3 होगी, तो M2+M3 2+3 इन ब्रैकेट
9.8 प्लस 2 तो हो गया 5 इंटू 11.8 तो 2nd जो टेंशन T2 की वैल्यू हो गया होगा कि हमारा कितना गया 59 न्यूटन। अब जो तीसरा केज है तो टेंशन T3 निकालना है, तो अब टेंशन जब हम T3 पाएंगे तो फिर हम यहीं से इतना मिटा रहे हैं, तो T3 निकालने के लिए अब यहाँ पे तीसरे टेंशन के लिए सिर्फ मास M3 इज द रिस्पॉन्सिबल, तो हो जाएगा T=M3G + M3A, तो जाएगा M3 (G+A), तो M3 = 3 किलोग्राम 9.8 प्लस 2 ये हो गया 3 × 11.8 तो हो गया 55.4 न्यूटन। तो इस तरह से जब बॉडी मूव इन अपवर्ड कर रहा है तो T1 भी निकाल लिए, तो T1 के लिए तीनों ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल हैं, T2 के लिए सिर्फ दो ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल था और T3 के लिए सिर्फ थर्ड ब्लॉक इसका रिस्पॉन्सिबल था। अब इसमें दूसरा केस दिया हुआ है कीप द होल सिस्टम इन स्टेशनरी। अब कह रहा है कि मान लो सिस्टम मूव नहीं कर रहा है बल्कि जैसे फिगर दिख रहा है इसी तरह से क्या रेस्ट फॉर्म में है, तो इन दिस केज व्हाट बी द टेंशन। तो अब इस केज में जो टेंशन होगा तो स्टेशनरी केज में आते हैं, सेकेंड पार्ट पाते हैं, इन केज ऑफ स्टेशनरी एक्सेलरेशन V0 एंड दैट मीन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा T-MG = MA, तो क्या T-MG = 0 एंड दैट मीन्स टेंशन इक्वल टू हो गया MG। तो अब यहाँ से कंसर्न अपने T1 = M1 + M2 + M3 × G, क्यों फिर टेंशन के लिए तीनों ब्लॉक रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो हो गया 5 + 2 + 3 × 9.8, तो इसको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 × 9.8 = 98 न्यूटन। यानी जब ये तीनों सिस्टम जब स्टेशनरी में होंगे तो पहला हमारा जो टेंशन होगा होगा 98 न्यूटन का, फिर अब इतना ही हम मिटाएंगे, दूसरे सिस्टम पाएंगे तो अब दो मास रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो हो जाएगा T2 = M2 + M3, क्योंकि इस टेंशन के लिए M2 और M3 रिस्पॉन्सिबल है, × G हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 3 × 9.8, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 49 न्यूटन। और जब हम T3 पर आएंगे तो ओनली सिंगल मास M3 इज द रिस्पॉन्सिबल, तो अब फिर इसको मिटा देते हैं, तो हो जाएगा T3 = M3 × G, तो M3 कितना 3 × 9.8 तो हो जाएगा 29.4 न्यूटन। तो इस तरह से अगर थ्री ब्लॉक दे आर द अटैच बाई थ्री डिफरेंस थ्रेड्स, दे आर द डिफाइन द टेंशन T1, T2 एंड T3 एंड द ब्लॉक मास इज द गिवन 5 kg, 2 kg and 3 kg, तो इन टू केज व्हेन द सिस्टम मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो पहले सोल्यूशन दिखाया और दूसरे केज में दिखाया कि व्हेन द सिस्टम इज द स्टेशनरी, तो इन दिस केज व्हाट बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन T1, T2 एंड T3। आफ्टर दिस वी आर कमिंग द टू ब्लॉक ऑफ मास 2.9 kg एंड 1.9 kg आर द सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट यस बाई ए टू इनएक्सटेंसेबल वायर इज द वायर ऑफ लेंथ 1 meter, फाइंड इन गिवन फिगर द अपर वायर हैज द नेगलेबल मास एंड द लोअर वायर द हैज द यूनिफॉर्म मास। तो इसमें करें एक सपोर्ट यस है, इससे दो वायर टेंस किए गए हैं,
कह रहा है कि पहले का मास और दूसरे का मास, तो यहाँ पे जो टेंशन दिया है तो ये एक एक मीटर का वायर है, और यहाँ पे जो मास ऑफ ब्लॉक दिया है 1.9 है और एक दिया है 2.9 किलोग्राम। तो अब इसमें जो ये कंडीशन दिया है, अब इसमें दिया है कि द होल सिस्टम आर द ब्लॉक वायर द सपोर्ट है भाई अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ऐसे के जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम निकालते हैं फार पॉइंट ए। तो ए के लिए टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यह आ जाएगा टी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ पे हम एम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा जी प्लस ए। तो अब यहाँ पे एम की जो वैल्यू निकालेंगे वो देखिए मास क्या आएगा, क्योंकि इस धागे से क्योंकि 2.9 किलोग्राम का ही मास अटैच है, और यहाँ पे 0.2 अपॉन 2 करेंगे क्योंकि इस वायर के मिड पॉइंट पर निकालना है, और पूरे वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर है, और इस पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन वो कितना है 0.2 है, तो 0.2 और 1 मीटर हाफ करेंगे तो 1/2 हो गया, इसमें इसको 0.2 अपॉन 2 लिख रहे हैं तो जाएगा 2.9 प्लस 0.1 इक्वल हो गया 3.0 किलोग्राम। तो अब इस फॉर्मूले का यूज कर दें तो T इक्वल टू एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, तो एम आ गया 3, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में कितना अडॉप्ट करना है हमको 9.8 अडॉप्ट करना है, तो 9.8 प्लस 0.2 तो हो जाएगा 3 × 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। तो इस तरह से ए पॉइंट पर जो टेंशन होगा वह 30 न्यूटन के इक्वल होगा। अब इसी तरह से हम निकालते हैं कि व्हाट इज द टेंशन एट द पॉइंट बी, इस पॉइंट पर कितना टेंशन होगा। तो अब आते हैं फार पॉइंट बी के लिए, तो फार पॉइंट बी आते हैं तो हो जाएगा फार पॉइंट बी। तो फार पॉइंट बी के लिए अब यहाँ पे बी के लिए यह दोनों मास रिस्पॉन्सिबल है, तो हो जाएगा 2.9 प्लस इसका जो एक्सेलरेशन वैल्यू दिया है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वायर का वैल्यू आएगा तो 0.2 प्लस 1.9 प्लस, अब इसके बाद क्योंकि इसका मास नेगलेबल दिया है तो यहाँ पे जीरो कर देते हैं, तो मास टेंशन तो हो गया, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 9 × 9 = 18 × 2 = 20 तो हो जाएगा 5.0 किलोग्राम। तो ये टोटल मास हो गया। तो अब टेंशन एट द बी, तो टेंशन एट द बी के लिए आ जाएंगे एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, फॉर्मूला वही लगेगा, तो एम हो गया 5 किलोग्राम 9.8 प्लस 0.2 तो हो गया 5 × 10 अन इक्वल टू हो गया 50 न्यूटन। तो टेंशन एट द पॉइंट बी इक्वल टू 50 न्यूटन एंड टेंशन एट पॉइंट बी टी ए, ये पहले निकाले थे कितना आया था 30 न्यूटन का आया था, 30 न्यूटन आया था। तो दे आर द आवर टू आंसर दे आप द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ द अपर वायर एंड मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर, तो दोनों वायर पे हमने टेंशन निकाला, तो मिड पॉइंट ऑफ द लोअर वायर पे टेंशन 30 न्यूटन का आ रहा है और मिड पॉइंट अपर वायर पे हमारा टेंशन कितना रहा है 50 न्यूटन आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस सम अदर न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू कनेक्टिंग मोशन बॉडी। थैंक यू।